हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप जो है पेपर फोल्ड करके बोट कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, पेपर फोल्ड करने के लिए आपको बोट बनाने के लिए एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे ब्लैंक पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास लाइन वाला पेपर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो बोट बनाने के लिए पेपर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर लिया। ये एक प्लेन पेपर था और इस प्लेन पेपर को हम लोगों ने बीच से फोल्ड करके हाफ बना लिया, ऐसा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बारी आती है इसको मोड़ने की। जी हाँ, एक तरफ आपका पेपर जो है जुड़ा हुआ होगा, एक तरफ आपका पेपर जो है खुला हुआ होगा। तो जिधर से पेपर आपका जुड़ा हुआ है वहाँ से आपको ऐसे मोड़ना है। इतना पेपर, इतना आपका ऐसे पेपर होगा और इस पेपर को इतना आपको फोल्ड करना होगा। और ऐसा फोल्ड करिएगा कि इधर से भी उतना ही फोल्ड हो जाए, जैसे कि इस टाइप से इधर से भी इतना फोल्ड हो जाएगा और ये वाला भी इतना फोल्ड हो जाएगा। दोनों यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, समझ गए? यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ज्वाइंट करेंगे। बराबर बराबर आप फोल्ड जब करेंगे तो यहाँ पे इजीली ज्वाइंट करेंगे और समझ गए होंगे मे बी। और बहुत आसान होता है, मैं दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं इजीली यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। यहाँ पे गाइस ज्वाइंट हो गया। अब बारी है, हमने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने मोड़ दिया। अब नीचे का जो बचता है इसको भी हम लोग दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। ऊपर ये देखिए, ऊपर की तरफ इधर ये है और फिर बैक साइड में भी फोल्ड कर देंगे। दोस्तों जब तक हम लोगों ने फोल्ड किया है पेपर को, तब तक गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये आप लोग देख लीजिए, ये पेपर हम लोगों ने जो है मोड़ दिया है इस टाइप का। दोस्तों आपका बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप लोग जो है इसको खोलिएगा, ये अंदर से खोलिएगा, अंदर से। जैसे ही आप दोस्तों खोलेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा बचेगा। ये आप लोग देख लीजिए, बहुत ही छोटा बचेगा। अब इस छोटे वाले को भी आपको, जब ये बहुत छोटा बचे, स्क्वायर टाइप का बचेगा फ्रेंड्स, दोनों स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर टाइप का ये बचेगा। और स्क्वायर को भी आपको फोल्ड कर देना है इक्वल पार्ट्स में, ये इधर और ये इधर। ये देखिए हमने इतना फोल्ड कर दिया है, इतना। और फिर क्या करेंगे, जब आप इतना फोल्ड कर देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल जब बनता है तो नीचे से फिर आपको इसको ऐसे खोल देना है। जब आप ऐसे खोल देंगे फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। और जब आप इसको खोल देंगे, धीरे से खोलेंगे, ज़्यादा कस के नहीं, धीरे से जब खोलेंगे तो ये हमारी बोट बन जाएगी। या फ्रेंड्स, ये बोट बन गई है हमारी। नाव दोस्तों देख लीजिए, नाव बन करके तैयार हो गई हमारी। अब हम लोग इसको पानी में तैरने के लिए छोड़ सकते हैं। कितनी दोस्तों अच्छी नाव बनी है हमारी। और दोस्तों हमने आपके सामने आपको दिखाते हुए बनाना सिखा भी दिया है, कितना दोस्तों आसान है नाव बनाना। और ये दोस्तों प्लेन है, ये पानी में दोस्तों डूबेगी भी नहीं और ये काफ़ी दोस्तों दूर तक जाएगी जब हम लोग इसको पानी में डालेंगे। बहुत मज़ा आएगा इसको खेलने में। तो आप भी बनाइए नाव को और इन्जॉय करिए। और मुझे बताइएगा कि आपने कौन से दोस्तों कलर की नाव बनाई। मैंने यहाँ पे वाइट पेपर यूज़ किया, कलर्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं बोट बनाने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।